हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल पर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये आपकी मैथ्स की स्पेशल वीडियो है, ठीक है। इसमें हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। ये प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पर। पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका, मैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है उसका क्या लेवल है ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 547 पॉइंट, केवल मैथ के पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये दिया हुआ है, बाय 0.0082, ठीक है। इसका मान जो है ये एक्स है, इसका मान एक्स है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है 547527/82 का मान हमें मालूम करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग इसका मान क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ऊपर अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे दोनों पे, ये हो जाएगा आपका 54752, पॉइंट हट जाएगा ना, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या होगा, पॉइंट जो है हट जाएगा और नीचे जो आ जाएगा वो 8.2 आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो बाद यहाँ पे आएगा, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ से भी 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब इसका मान जो दिया हुआ x दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे और 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी हमारा मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे, आप देख लीजिए इसको हम के ऊपर नीचे अगर 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं समझा केवल रहा हूँ, वैसे आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 547527/82 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या है, इसका मान है आपका x, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना इसका मान हमें मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम यहाँ तक क्या कर सकते हैं, इंटू 10 करके यहाँ तक का मान क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एक्स इंटू 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही होगा। क्लियर है सभी लोगों को, बहुत ही ईजी था इसलिए, और आपके क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको बता दिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए संपूरक कोण क्या होता है, कोटिपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण वो होता है दोस्तों, जो जैसे कोई कोण दे दिया एक्स, चाहे थीटा दे दिया, कोई कोण थीटा दे दिया, ठीक है। तो इसका संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 180 अंश में से माइनस करना होगा। 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो हमें क्या मालूम चलेगा, संपूरक कोण मालूम चलेगा। और कोटिपूरक कोण क्या होता है, देखिए अच्छे समझिएगा, कभी आपको आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण समझने। संपूरक कोण, संपूरक कोण होता है 180 अंश माइनस थीटा, जो कोण दिया होगा उसका संपूरक, जैसे थीटा कोई कोण है दिया हुआ, उसका संपूरक कोण क्या होगा, उस कोण को क्या करेंगे, 180 अंश में से माइनस कर देंगे। कोटिपूरक कोण क्या होता है, कोटिपूरक कोण क्या होता है, ये होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, मतलब कोण को हम क्या कर 90 में से माइनस कर देंगे, कोटिपूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कोई कोण है जिसका संपूरक कोण, मान लेंगे कोण क्या है, थीटा है, इसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 अंश माइनस थीटा होगा, ये संपूरक कोण हो जाएगा, क्लियर है। कह रहा है इसका संपूरक कोण जो है इसके थीटा, इस कोण के कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो संपूरक कोण क्या होगा, 180 अंश माइनस थीटा, ये जो है इसके कोटिपूरक कोण, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा का 3 गुना है, मतलब इसका क्या है, 3 गुना है। हमें क्या बताना है, वो कोण बताना है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 270 माइनस 3 थीटा,
क्लियर है। थीटा को उधर कर दीजिए, थ्री थीटा को इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 180 को उधर कर दीजिए। थ्री थीटा को उधर इधर करेंगे तो यहाँ माइनस थीटा और थ्री थीटा क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा, और 180 उधर जाएगा माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और थीटा बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 45 डिग्री, दो से ये 90 कटेगा, ठीक है। थीटा का मान आ गया आपका 45 डिग्री। अब पूछा क्या था आपसे, पूछा कोण क्या है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, संपूरक कोण कोटिपूरक कोण ये भी मालूम हो गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार पार्क, एक कोई पार्क है जिस जो आयत के आकार का है, ठीक है, जो आयत के आकार का है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है 45 मीटर है, इसकी लंबाई 45 मीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई जो है 30 मीटर, ये 30 मीटर क्या है, चौड़ा है ये। पार्क के बाहर चारों 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, मतलब पार्क के बाहर जो है 2.5 मीटर एक चौड़ा रास्ता है, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है आप लोग, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता, मतलब यहाँ भी ये भी 2.5 मीटर है और ये भी 2.5 मीटर है, ठीक है, ये भी 2.5 मीटर है, ये भी 2.5 मीटर है, ठीक है, और ये भी क्या है आपका 2.5 मीटर है, यहाँ भी 2.5 मीटर है आपका, मतलब देखिए लंबाई में वृद्धि कहाँ कितनी हो रही है। अगर हम पूछा क्या हमसे कि रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है, रास्ते का क्या करना है, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए ये पहले लंबाई पहले कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर इधर बढ़ रहा है, 2.5 मीटर इधर बढ़ रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल केवल हमको इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस ये जो आयत है बड़ा वाला, ठीक है, इसमें से इस छोटे वाले आयत को क्या करेंगे हम माइनस के, इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हमारा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा मालूम हो जाएगा। अब देखिए बड़ा वाला एक भी एक आयत बन गया, तो बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर इधर बढ़ रहा है, 2.5 मीटर इधर बढ़ रहा है, तो 5 मीटर बढ़ जा रहा है, तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2.5 मीटर इधर बढ़ रही है, 2.5 मीटर इधर बढ़ रही है, मतलब 5 मीटर बढ़ रहा है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 35 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, ये हो जाएगी 35 मीटर। अब देखिए बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े वाले का कितना क्षेत्रफल होगा, बाहरी भाग का 50 गुणे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, तो इसको कर लीजिए L1B1 माइनस इनके इनको मान लीजिए L2B2, तो ये हो जाएगा L2 और B2, ठीक है, इनके क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, ये रास्ते का क्षेत्रफल हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये पहला क्या है, ये 50 मीटर है, ये कितना है 35 मीटर है, ठीक है, माइनस ये कितना है 45 मीटर है और ये कितना है 30 मीटर है, ठीक है, अब इनका आपस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए ये हो जाएगा 25, ये 0 आगे बढ़ जाएगा, ये 15 2, ये हो जाएगा 17, माइनस ये हो जाएगा 0, ये 3 5 15, ये 3 4 12 1350 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा देख लीजिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 400 मीटर स्क्वायर होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, दिया एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है ध्यान समझिएगा, ठीक है, इनमें जो अनुपात है इनके भुजाओं का जो सॉरी इनके एक त्रिभुज के कोणों में जो अनुपात है, ठीक है, ठीक है, ये कोण जो दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये 2x है, ये 3 है, ये 3x है, ये 4x है, अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान क्या होता है, आप x मान भी सकते हैं x नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। पूछा क्या है आपका, त्रिभुज के कोण होंगे अलग अलग कोण बताना है, ठीक है, ये 2 है 3 है 4 है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों ये एक बात याद रख लीजिए आप लोग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान जो है 180 डिग्री होता है, मतलब इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़ेंगे 2 3 5 5 4 9, यहाँ 2 3 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब 9 बराबर आ गया आपका 180 डिग्री। क्लियर, टोटल बराबर आ गया आपका 180 डिग्री। अनुपात 2:3:4 के अनुपात में 9 बराबर 180 डिग्री, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा आपका 20 डिग्री। मतलब क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है वो 20 गुना चल रहा है, ठीक है। 9 बराबर 180, तो 1 बराबर 9 से उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा कितना, 20 डिग्री आ जाएगा आपका। 1 बराबर 20 डिग्री, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 40 डिग्री। 3 एक बराबर 20 डिग्री, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे 80 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 40, 60 और 80, इन तीनों को अगर आपस में जोड़ते तो 180 आंसर आएगा। देखिए 60 प्लस 40 100, 100 और 80 कितना, 180 डिग्री आ गया। आपका आंसर नंबर कितना होगा, देख लीजिए कौन सा होगा, 40, 60 और 80, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जिसको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपका सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है, जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। ये समझ में आया, मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए दिया हुआ त्रिभुज के जो अंतः कोण है वो 2:3:4 के अनुपात में है, क्लियर है, इस अनुपात में है। तो एक बात सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान जो होता है, जो तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमें अनुपात मालूम है 2:3:4 है, तो तीनों को हमने ऐड किया जो कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, क्लियर है। तो हम इनका जब टोटल ऐड किया, टोटल बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 9 आया, लेकिन टोटल तीनों अंतः कोणों के योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो 9 बराबर हमने कर दिया 180 डिग्री, और यहाँ से हमने मान निकाला 9 बराबर 180 डिग्री, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर आ गया आपका 20 डिग्री। अब यहाँ से हम सभी कोणों का मान हम निकाल सकते हैं, 1 बराबर 20 डिग्री, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, 3 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, 4 बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री। क्लियर है सभी लोगों को, स्पष्ट है सभी लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 1989 है, ठीक है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM, मतलब महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या जो है आपकी दी हुई है, आपके क्वेश्चन में पहली संख्या दी हुई है जो कि 117 है और दूसरी संख्या आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। HCF जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ 13 और जो LCM दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1989, क्लियर है। हमें पता करना है दूसरी संख्या, तो हम इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारी दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। देखिए 117 से 1989 को कैंसिल करेंगे, ये जाएगा आपका 17 बार में, ठीक है। 13 और 17 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दूसरी संख्या जो है आ जाएगी 221, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप केवल इसका यूज करेंगे, ठीक है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, देख लीजिए। इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, आंकड़ों जैसे 25, 15, 23, ठीक है, 40, 27, 23, 42, ये संख्याएं दी हुई हैं। कहा है इसका परिसर ज्ञात करने के लिए, परिसर मतलब बड़ी संख्या सबसे परिसर में होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का संख्या का अंतर। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही होगी 42, 42, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 15 है इसमें सबसे छोटी संख्या। इन्हीं दोनों का अंतर जो है आपका आता है परिसर, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 27, और आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।